बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक ट्रू फैमिली मैन है। अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अपने भाई अपनी बहनों के बच्चों को जान से लगा कर रखते हैं और फैमिली मैन के तौर पर बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। लेकिन खुद की उनकी सोच या कह लीजिए बदजुबानी कुछ इस तरह की है जो उनको कई मामलों में एंटी फैमिली वाला भी साबित करती है। और कई बार तो मीडिया में उनकी जो बयानबाजी उसी साबित होता है कि क्यों उनकी मैरिज नहीं हो रही, क्योंकि उनके बयान सुनकर कोई भी लड़की उनके साथ मैरिज नहीं करना चाहेगी। एक ऐसा बयान साल 2019 में सलमान खान ने दिया था जहां पर ऐसा लगता है सलमान खान को मैरिज नहीं करनी है, वो बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बनकर ही रहना चाहते हैं। हालांकि वो बच्चे चाहते हैं लेकिन उनकी माँ से उनको बहुत गुरेज है। सलमान खान ने 2019 में जो स्टेटमेंट दिया था मुंबई मिरर को, जरा सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट है। कुछ इस तरह से था, आई वॉन्ट चिल्ड्रन बट विद चिल्ड्रन कम्स द मदर, आई डोंट वॉन्ट द मदर बट दे नीड वन, बट आई हैव अ होल विलेज टू टेक केयर ऑफ देम, मे बी आई कैन वर्क आउट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। यानी सलमान खान यहाँ जो कह रहे हैं उसके मुताबिक, मुझे बच्चे तो चाहिए लेकिन बच्चे आते हैं माँ के साथ, यानी माँ बच्चों को पैदा करती है, लेकिन मुझे उनकी माँ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को तो माँ की जरूरत है। इस मामले में एक पूरा खानदान या पूरा गांव है मेरे पास बच्चे संभालने के लिए, लेकिन मैं माँ को नहीं संभाल सकता। यानी सलमान खान का कहना साफ साफ है कि बच्चे तो चाहते हैं लेकिन कुंवारा बाप बनकर चाहते हैं। नो मैरिज नो मदर ओनली चाइल्ड, इंडियन फैमिली वैल्यू सिस्टम में बहुत ही एंटी फैमिली वाला घोर बयान है। हालांकि सलमान खान ने यह बात हो सकता है मजाक में कही हो, लेकिन जो लड़की उनसे प्यार करेगी उनके साथ रहेगी वो उनके एंटी मदर वाले थॉट से डरेगी। हर कोई सलमान खान के साथ रहता है, उनके साथ मैरिज भी करना चाहता है, लेकिन सलमान खान की जो थॉट है वो एंटी मदर वाले हैं। वो चाहते हैं बच्चे करें लेकिन बीवी उनके साथ ना रहे। जाहिर सी बात है कोई भी औरत अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहेगी, ऐसे में सलमान खान की बीवी बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सलमान खान के बच्चे की माँ बनना थोड़ा पॉसिबल है। सलमान खान का ये बयान थोड़ा सा उनकी इमेज से इतर है और कहीं ना कहीं उनके बैचलरहुड को उनके कुंवारेपन को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करता है, बट ये बात कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जाती है। बिकॉज सलमान खान के साथ बहुत लोगों ने अफेयर किए, सलमान खान बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते अगर उनके अपनी अफेयर के साथ मैरिज हो गई होती, बट इसी अकेली कंडीशन की वजह से सलमान खान अकेले हैं। अभी सलमान ने अपना 57th बर्थडे मनाया, संगीता बिजलानी उनके बर्थडे पे आई जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने उनको फोरहेड पे किस भी किया, अच्छे से पेश भी आए, लेकिन जहाँ पर बात मैरिज की आती है सलमान खान के कोल्ड फीट हो जाते हैं, यानी सलमान खान घबरा जाते हैं। सलमान खान को मैरिज से कुछ ऑब्जेक्शन है, ये बात तो बार बार साबित होती रहती है, फिर चाहे वो करण जौहर के शो में बात कहने वाली हो या बिग बॉस में उनकी खुद की बयानबाजी हो। हर जगह सलमान खान थोड़े से छिछोड़े, थोड़े से अलर्ट, थोड़े से बेबाक नजर आते हैं, और महिलाओं को जो सम्मान एज अ पत्नी एज अ वाइफ मिलना चाहिए वहाँ सलमान खान पीछे नजर आते हैं। एज अ ब्रदर एज अ सन एज अ फैमिली मैन एज अ स्टार वो बहुत अच्छी इमेज वाले हैं, बट एज अ हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट के साथ बयानबाजी करते हैं, और 2019 का यह बयान उसी बात की तस्दीक करता है। उम्मीद करते हैं सलमान खान बहुत ही जल्दी अपने स्टेटमेंट को अपनी मेंटल साइकोलॉजी को बदलेंगे, वरना सलमान खान अकेले आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।